प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का 2 अगस्त को पिपलिया मंडी आगमन हुआ, जिसमें नगर एवं ग्राम रक्षा समिति मंदसौर की समस्त थाना की टीम ने मुख्यमंत्री का काफिला रोककर उन्हें ज्ञापन दिया, जिसमें विभिन्न हितों की मांग की गई। नगर रक्षा समिति के समस्त कर्मचारियों को नगर सैनिक का दर्जा देने, मानदेय और वर्दी प्रदान की जाने की मांग की गई। नगर सुरक्षा समिति के युवा लगातार पुलिस प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं एवं जो काफी समय से ईमानदारी और लगन से कार्य कर रहे हैं, जिनका मनोबल बढ़ाने के लिए और उनको सम्मान के नजरिए से देखने के लिए नगर एवं ग्राम रक्षा समिति के समस्त युवाओं को नगर सैनिक का दर्जा प्रदान किया जाए और मानदेय देकर वर्दी प्रदान करने की मांग की गई। आपको बता दें कि प्रदेश में नगर सुरक्षा समिति के समस्त युवा लगातार धार्मिक कार्यक्रम एवं चुनाव त्योहारों आदि में दिन रात पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं एवं रात्रि में भी गश्त का कार्य करते हैं। कोरोना काल में भी पुलिस प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवा कार्य किया है, इसलिए नगर रक्षा समिति मंदसौर जिले की पूरी टीम ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हुए अपने हितों में प्रमुख मांग की है। ज्ञापन में नगर रक्षा समिति के समस्त थाना संयोजक सहित जिला मंदसौर की प्रत्येक थाने की नगर सुरक्षा समिति की टीम उपस्थिति थी। पूर्व में भोपाल में भी प्रदेश स्तर पर नगर रक्षा समिति के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया था, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जल्द ही भोपाल में इस विषय पर चर्चा कर महापंचायत बुलाकर निर्णय लेने के लिए सांत्वना दी थी।